नहीं मतलब ऐसी ऐसी की बात नहीं, ऐसे मौके पे हम सभी एक ही नैया में सवार है, जो जितना करेगा उतना कम है सबके लिए। और मैं तो इतना दूर दूर जाता हूँ, ये तो मेरा इलाका है, मेरा घर तो पीछे ही यहाँ पे, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे घर के आसपास हरियाली हो। और आप लोग मिलके जो कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। भाई आपके हाथ से जो झाड़ लगा है ना, दैट्स गोइंग टू बी रियली वेरी ब्यूटीफुल ट्री। वो गाना भी गाए तो अच्छा है ना। ओके थैंक यू। बर्ड्स शायद गाए। जरूर, हाँ बर्ड्स गाएंगे यहाँ पे गाने। चलिए थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप रोल बोलेंगे बीएमसी की तरफ से? सर ये एक अपना बीएमसी और विथ मेगा फाउंडेशन की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव, विश्वास मुझे जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है उनके थ्रू ये जो इनिशिएटिव एक महीना पहले चालू हुआ था, वो इनिशिएटिव अभी भी अपना मतलब हफ्ते में 3 बार सर हम लोग कर रहे हैं, मंगलवार, गुरुवार और सैटरडे को। हर कोई ना कोई सेलिब्रिटी आगे आके ये हमारी जो मुहिम है उसको सपोर्ट कर रहा है। और वो तो सर आपके जैसे लोग यहाँ पे आएंगे, आपके फॉलोअर्स इतने हैं और आपके इलाके में ये झाड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एनवायरनमेंट का लॉस हुआ है वो कहाँ ना कहाँ तक हम लोग उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कहना सही है सर कि इससे ज़्यादा भी झाड़ लगने चाहिए, हम लोग वो भी कोशिश करने वाले हैं। आप आए सर उसके लिए आपके जिसके काम आओ मुझे बताएगा जरूर। वृक्ष नर्सरी की तरफ से वी'ड लाइक टू गिव यू अ तुलसी प्लांट। अरे आप यकीन नहीं मानेंगे, आज सुबह मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुलसी का प्लांट घर पे होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज सुबह की बात है, कमाल है। तुलसी जरा तुम्ही पण द्या ना दोन दोन पण ऐड वन एक पापा के लिए मेरे लिए। चलेगा, थैंक यू सो मच सर 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 हाँ पता है थोड़ा सा, दोनों खाऊंगा अभी दोनों। ओके सी यू, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आई थिंक इससे प्रिविलेज मोमेंट क्या हो सकता है कि आप धरती माता को वापस से उगाने के प्रयत्न में है। वैसे भी आजकल हम लोग एनवायरनमेंट की बहुत बात करते हैं लेकिन करते ज़्यादा नहीं हैं उसके बारे में। तो मौका मिला है मुझे, अनुषा ने आज मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। रियली मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं थी यहाँ पे जब साइक्लोन हुआ था और आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ में मुझे इतना डरावना मैंने सीन कभी देखा है, क्योंकि आज तक तो मैंने ऐसा साइक्लोन नहीं देखा है। और जब हम लोग फिर उस 3 दिन बाद चलने गए थे, मैं बहुत चलती हूँ और इस एरिया में भी चलती हूँ, इस जुहू बसोबा लिंक रोड एरिया में भी, तो इतने सारे हमने पेड़ गिरे हुए देखे थे और ऐसे मोटे मोटे पेड़ गिरे हुए थे कि बहुत दुख होता है कि जो 50 साल से शायद जो उग रहे थे और सब टूट गया। तो इट फील्स वेरी नाइस कि अब जाके हम उसको कहीं ना कहीं वापस कर सकते हैं, लाइक वापस पेड़ आ सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। अनुषा जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपने भी उठाई है, हम देख रहे हैं ढेरों सारी सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हाथों से पेड़ों को लगा रहे हैं, तो कितना मानती है कि ये इसे और आगे भी बढ़ाना है? एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आगे आए और जो साइक्लोन ने हमको जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करें। एटलीस्ट 50 साल के झाड़ के सामने 5 साल के झाड़ लगाए या 5 महीने के झाड़ भी लगाए तो हम फ्यूचर जनरेशन्स को सिक्योर करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी इधर निहारिका यहाँ आई है एंड शी इज़ कम विथ अस, एंड विश्वास मोटे जी का मुहिम है जो यहाँ के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हैं बीएमसी के वेस्ट वार्ड के, उन्होंने मुहिम उठाया है। वी फ्रॉम मेकर्स ग्रीन अगेन फाउंडेशन सपोर्ट हिम टू द फुलेस्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट नितिन जी इज़ ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम हियर और उन्होंने इस प्लांट को अडॉप्ट किया है, क्योंकि इन्होंने उसको प्लांट कर दिया, बीएमसी ने झाड़ प्रोवाइड कर दिए, लेकिन सींचना बस हमें ऐसे एक पर्सन सिटीजन की ज़रूरत है जो उसको आगे ले जाए। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर व्हाट दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग। बैठिए ना अभी, आइए। देयर आर टायरलेस बीएमसी वॉरियर्स हु एक्चुअली वर्क फॉर इट डे एंड नाइट, सो आई'ड लाइक हिम टू से समथिंग प्लीज। थैंक यू।
एक्चुअली अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर है बीएमसी के विश्वास मोटे जी, उनके उनके थ्रू ये जो कैंपेन चालू हुआ है हेड ऑफ द पी, वहाँ पे जो अपने झाड़ अपना लगाना कैंपेन एक महीने से चालू है, वो एक मैसेज है सिटीजन कि मतलब जो नुकसान एनवायरनमेंट का हुआ है वो किधर ना किधर अपन उसको थोड़ा सा भरपाई कर रहे हैं। और निहारिका जैसे लोग इसके सामने आते कैंपेन के साथ जुड़ते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस बढ़ता है। निहारिका जी थैंक यू, आप आए इसके लिए बीएमसी की तरफ से। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड कॉसेस एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिनकी बातों से फ़र्क पड़ता हो अगर वो आगे आके मुहिम उठाए और हमारे सिटीजन साथ हो तो हम लोग एक क्या मतलब हम हज़ारों झाड़ लगा सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू मेक अर्थ ग्रीन प्रोवाइडेड वी ऑल कम टूगेदर एज वन। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से, और आपको तो पता ही है कि ऑक्सीजन की तादाद कितनी कमी है आजकल 3-4 महीनों से। तो मैंने यहाँ एक पेड़ लगा कि ना ऑक्सीजन हल्का सा 1% बढ़ा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस चांस टू आस्क यू, यू आर ऑल्सो अ कोविड वॉरियर, यू आर अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड यू बीन हेल्पिंग पीपल बाय एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर ऑन दैट साइड। तो अभी इस साइड पर आकर सिटीजन बनकर एक झाड़ लगाने में कैसा लग रहा है आपको? देखो मैंने हमेशा कहा है कि आप कलाकार हैं या कुछ भी हैं, आपको अपने सोसाइटी के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, उनके साथ मिलकर हमेशा काम करना चाहिए, और आपका ये धर्म है करना, तो मैं बस अपना धर्म निभा रही हूँ। इंडस्ट्री के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि वो भी आएँ, जैसे आप आई हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, अनुषा जी और विश्वास मोटे जी सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ जी, पहली बात तो सोशल मीडिया आजकल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे मैं बात करूँगी, मैं बोलूँगी कि आप आइए, आगे आइए, मिल के हम लोग सब और पेड़ और पौधे लगाते हैं, एंड आई थिंक इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और गार्डन्स बन रहे हैं, मैं जानती हूँ कि मुंबई में बहुत सारे गार्डन्स बन रहे हैं, तो वहाँ सारे इंडस्ट्री वाले और भी कॉरपोरेट वाले लोग भी आएँ और मिलकर हम सब लोग लगाएं, तो कितना अच्छा लगेगा कि आपने यू नो आप और प्रकृति एक हुए। मैं सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार करूँगी। सर, आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? आप सर, मेरा तो ये रेजिडेंस एरिया है और यहाँ पे जितने भी झाड़ गिरे हैं, हमारे महावीर टू में ऐसा झाड़ गिरा था जो बिल्डिंग के ऊपर गिरा था, और बीएमसी ने हमको इतना सपोर्ट किया, गार्डन डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलरली, तो वो झाड़ हमारी बिल्डिंग को कुछ हुआ नहीं, और हम तो चाहते कि हमारा पूरा और एरिया जितनी झाड़ गिरी उससे डबल लगाना चाहता हूँ मैं तो, इसीलिए मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ कि और ज़्यादा ग्रीनरी हमारी एरिया में हो और हमारा एरिया वापस उतने ही झाड़ हमको दिखे, उससे कहीं ज़्यादा दिखे। मुंबई में समंदर तो है ही, और हरियाली और हमारी कोशिश है और बढ़ जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।